नमस्ते किसान। आज बहुत दिनों बाद रवि भैया के यहाँ पे आए हुए मैं गणेश किसान, 14/2/2021। आज गाड़ी भी कटिंग हो रही है यहाँ से, आइए देखते हैं। काफ़ी दिनों से किसानों का कहना था कि रवि भैया का भी प्लॉट विज़िट करवा दो। ये 5x7 जिगजैग पर रेवा प्लस लगा हुआ है, लेकिन नाली पाली कंसेप्ट यहाँ पे नहीं किया था, तो बहुत सी दिक्कत इनको भी आ रही है। देख समझते हैं, माल वगैरह शाइनिंग सेकंड का तो बढ़िया है, टैगिंग वगैरह। आइए, बंच मैनेजमेंट वगैरह सब किया हुआ है। क्रीम माल निकल गया है, अभी तीसरी या चौथी बार कटिंग होगी, है ना। आज क्या दोबारा फिर फूटा? राम राम राहुल भैया। बड़े दिनों, काफ़ी दिनों से आपके प्लॉट में आए नहीं थे। आज कुछ किसान आए हुए हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़, कुछ हरियाणा से भी हैं, है ना। आज का माल कटिंग हो रहा है यहाँ पे? माल कटिंग हो रहा है। अच्छा भैया, बाहर ही होंगे ना रहेंगे। वाह रे वाह। रवि भैया कहाँ पर है? हमारे रवि भैया अंदर है। ये बंच से दिखा दो थोड़ा वहाँ से। हाँ आप खड़े हो जाओ। कितने किलो का ये पंजे डायरेक्ट भरे जा रहे हैं अभी? ये गाड़ी तो लेगी, है ना। लगभग कितने किलो का होगा बंजे ये? करीबन अभी इसको देखो, इसको देखो भैया, आप ही देखो अभी किसानों कितना किलो वेट बाहर उठा के लो थोड़ा सा। सेकंड का है ये? पूरा तो लेगा इसके साथ ही, पूरा ही लेगा। ये सेकंड का है ना, ये सेकंड का है। आप बताइए थोड़ा सा अंदाजा लगा के अभी। किसान को तो पता ही रहता है। ये वाला हाँ, उसको माइनस करते हैं, वो सब प्लस करके, है ना। जे हाँ, इतने ही बड़ा किला 60 रुपए दर्जन मिलता है। आराम से रखिएगा। 35 किलो के आसपास होगा। भैया से भी मिलते हैं अपन कि ये केले में उन्होंने क्या खर्चा किया है, है ना। तो यही प्रोडक्शन आपको वहाँ पे बना के इसको इसकी वैल्यू एडिट करके आप अगर वहाँ पे टू बी कंटिन्यू कर लो तो बहुत आपकी 50 की अपेक्षा नहीं रहेगी, है ना। आपको 15 या 20 रुपए भी मिल जाए तो बहुत है किसान को, है ना। मार्केट में रेट वही रहता है, किसानों से ही कम ज़्यादा लिया जाता है। बस ये मार्केट में बाकी तो 50 से 50 कम मिलेगा नहीं कभी भी, लेकिन वो जो किसान से लेते हैं ना तभी मतलब कम ज़्यादा होना। लेकिन वो बलराम भैया वाली बात है ना, खर्चा घटा दो, खर्चा कम होगा तो उत्पादन वैसे कम भी हो जाए, रेट भी कम मिले तभी वो। बहुत सारी फौज है आज, है ना। हम लोग आए ना तो ये गाड़ी आ रही थी, मैं बोला भी कहीं कटने जा रहा केला का। ये अपना पपीता लगाया हुआ है यहाँ पे, है ना।
देखो ये पपीता, पपीता लगाने वाले ये ये अपन ने लगाया अप्रैल 16 या 17 अप्रैल में लगा प्लांटेशन होगा पिछले साल 2020 में। इसका वीडियो बना था ना, हाँ इसका वीडियो जो लगा हुआ था वो इसका इसी का वीडियो बना था। लॉकडाउन के बाद लगाया था, हाँ लॉकडाउन के पहले लगाया था, लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन 22 मार्च को लगा था ना, तो अपन ने इसको जनवरी फरवरी मार्च में लगा दिया था। मार्च नहीं, 14 या 16 मार्च को लगा था, लॉकडाउन से लगने से पहले लगा था। उसमें आप अभी भी एक भी 100 किलो तक ले चुके हैं, ले चुके हैं पिछले वाले प्लाट में हम ले चुके हैं। अच्छा। वहाँ पे वो निकल गया है इस साल। अच्छा। निकाल दिया वो जो पलव करा हुआ था। हाँ। वहाँ पे क्या रेट इसमें भी फिलहाल लिया अलग अभी तो निकल रहा है इसमें। हाँ चल रहा है, कल या परसों, कल ही शायद गाड़ी लगी थी यहाँ पे। 80 किलो के समथिंग आप पकड़ के चलो प्रति पौधा। अगर पौधा आपका स्वस्थ है, व्यस्त परिपक्व है, तो 80 किलो से प्लस में ही जाएगा। इसमें इस वैरायटी में वायरस कम, वायरस कम होता है, जैसे इसमें नहीं है ये पौधे। ये पौधे रेड लेडी वहाँ अपन ने देखा था, वहाँ आइसबेरी वहाँ देखा था अपन ने, वहाँ वो पूरा प्लाट वायरस ग्रस्त था। इसमें ये पास में है, बाकी इसमें नहीं है अभी तक। पपीता ये इसमें है, इसमें भी वायरस है, वो उसमें भी वायरस ही है, तो इसमें नहीं आया। इसमें क्या है कि कुछ कुछ पौधों में ही आएगा, ज्यादातर नहीं आया। क्या बोले भैया वैरायटी? ये ग्रीन बेरी, ग्रीन बेरी, ग्रीन बेरी, ग्रीन बेरी, ग्रीन बेरी। आइसबेरी तो पौधा मिलता ही नहीं, वो तो कंपनियां उन लोग बनाती है आइसबेरी। अभी तो मिलना बहुत मुश्किल है हमारे एरिया में, तो मिलता ही नहीं आइसबेरी। ग्रीन बेरी का प्लांटेशन सब वो सूखी जमीन है, कोई की कारण। अच्छा क्यों भी है, इसको 5 रुपए किलो बेचेंगे तो प्रॉफिट में की मिल जाएगा। हमने लॉकडाउन में 3 रुपए किलो में भी प्रॉफिट, पपीता केले में नहीं मिलेगा। केले में अगर 0 बजट पे जाओगे तो 1-2 रुपए किलो में भी आपको बचत मिल जाएगी। अच्छा जिसमें मान ले पौधे में वायरस आ गया, उसका फल पके नहीं का? पकेगा, पकेगा फल तो, फल तो पकेगा, तो पकेगा। अच्छा। चल रही है जो ऊपर है ऊपर फल नहीं आएगा, ऊपर नहीं आएगा जो नीचे लगा हुआ है, ये है ये। हाँ। जो ये सही यही साइज रह जाएगा। अच्छा, ये साइज नहीं पड़ेगा, ये पक जाएगा जो साइज जैसे छोटा साइज पक गया ये। हाँ, ये पक गया, ये पक जाएगा। यहाँ से ये है, ये है, ये यही रह जाएगा, ये बड़े नहीं है। हाँ बढ़ेगा वायरस आने के बाद, वायरस आने के बाद में अगर वायर पत्ते सही होंगे तो फिर बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा और वो पकता भी जाएगा। वायरस की कोई दवाई नहीं। ये 5x8 के जो गांठ लगी हुई थी इसमें भी देखते हैं, अभी बंच आने शुरू हो गए हैं। ये देखते हैं अभी फ्लावरिंग आना शुरू हो गया है ना। बीच में से चलो, नाली में से, नाली 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 है ना, नाली में चलो भाई, सब नाली में चलो। यहाँ हमारे आ जाइए इधर, ये ये है बंच आपके पास में। सुअर बहुत ज्यादा है ना, काट फेंक दो, हेलो काट काट के। ये कंद वाला है, ये लाठिया बनी हुई है एकदम जबरदस्त। ये उनका देन है, ये